हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आपका साइकोलॉजी का ये टेस्ट रहने वाला है। और मैंने आज की इस वीडियो में कोशिश की है इस मॉक टेस्ट के माध्यम से जितना आपके लिए मुश्किल बना सकूं उतना मुश्किल बनाने की कोशिश की है, ताकि अगर आपके जो है रियल आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले तो आप किस तरह जो है उसको फेस करेंगे, देखेंगे। आज की इस मॉक टेस्ट में कोशिश की है मैंने अपनी ओर से जो इसको हार्ड आपके लिए बनाने की। शुरू के दो चार क्वेश्चन देखने के बाद आपका जो है मनोबल देखते हैं कितना डगमगाता है, क्या आप चीज़ों को संभाल पाते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, इन साइकोलॉजी लर्निंग स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन आपके पास इसमें दिए गए हैं, आपका क्या होगा वीडियो को पॉज कर लीजिए और अभी तक आपने ये सोच भी लिया होगा। बाकी समय भी मैंने पहले से जो है आज थोड़ा सा आपको लिए ज़्यादा दिया है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी है, आपको समझना खुद है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, साथ साथ आप कमेंट करते रहिएगा, आपके जो है कमेंट आने चाहिए रेगुलर। बेशक आप जो है गलत कीजिए, एटलीस्ट आप कमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट आप जो है कुछ तो गेस कर रहे हो, क्योंकि आपके पास समय यही है गेस करने के लिए, गेस तो आपको करना ही पड़ेगा। बाद में देख लेना कि आपका सही है या गलत है, साथ साथ लिख भी लीजिएगा अलग से। तो इसका जो है क्वेश्चन टू आप देख सकते हैं, टू मेंटेन गुड रिलेशन विद अदर टीचर यू विल, तो आपको इसमें से क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपके पास दिया गया है ए बी सी या डी, तो आप इसको कैसे कमेंट करेंगे। दो के आगे जैसे डी लिख दिया, दो के आगे सी लिख दिया, इस तरह से आपको ये लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके आगे जो है उसका जो है राइट क्या होगा ये आपने जो है कमेंट करना है। आगे चलेंगे, व्हाट सोशल क्वालिटी इनहेंस द रिस्पेक्ट ऑफ ए टीचर, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यही दो चार क्वेश्चन आपके जो है टफ आपके एग्जामिनर जो स्टार्टिंग में दे देता है, जिससे होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं बाद में जब आप इसके जो आंसर देखेंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे आता था। तो जो रियल आपका जो है क्लासरूम, या मैं कहूँ कि जो आपका रियल जो टेस्ट में आपका जो है होने वाला है, इस तरह से जो आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इससे हार्ड नहीं होगा। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि अगर आपसे खराब से खराब आपके लिए पेपर डलता है तो इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलेगी, इससे हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर आपके पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन स्टूडेंट इज, तो ये भी आपने बताना है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ओर से कोशिश ये की है कि आपके लिए जितनी जो है विपरीत परिस्थितियाँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले साइकोलॉजी के सेक्शन में, आपको जो है आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपके पास एक मिनट से कम समय में ही आपने जो उसको गेस भी करना है और उसके बाद आपको सर्कल भी करना होता है, ताकि आप जो है अधिक समय अपने सब्जेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि जो आपके अच्छे हैं जिसमें आपकी जो कमांड है उसके लिए दे सके, उसमें जो कंपेरिजन कर सके। इसके अलावा जो है आर्ट्स वाले जो इंग्लिश पर ज़्यादा जो है फोकस करेंगे, लास्ट के लिए समय बचाएंगे। बाकी इसका आप कमेंट करते रहिएगा आपके जो इसमें से कौन सा सही होगा, लास्ट में आप जो मिलान कर सकते क्वेश्चन के, आपके आंसर सभी के लास्ट में दिए गए हैं, उसके बाद आप जो है कमेंट स्कोर भी कर लीजिएगा कि आपको जो है कितना स्कोर बना। अगर आपका जो है इसमें 10 से 15 और आपके इसके बीच आपका स्कोर बनता है तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, आप जो है रियल जो आपके हालात है उसमें आप जो है खुद को जो है डाल सकते हैं। अगला आपके पास, व्हाट आर द फील्ड कवर्ड इन द को स्कूलिस्टिक एवेल्युएशन, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कोशिश की है अपनी ओर से, बार बार कह रहा हूँ कि जितना हो सकता है उतने मैंने खराब आपके लिए क्वेश्चन डालने की कोशिश की है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपका दिखाएगी कि आप जो है किस तरह से अपने को जो है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है हिंदी मीडियम वालों को ये थोड़े से समझ ना आए, लेकिन जो एटलीस्ट उनको जो है कोशिश करनी चाहिए, उससे जो है उनको बेनिफिट ही होगा। इवन इसमें से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप के बनेंगे वो तो आप सही करके आ ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, व्हाइल गिविंग एक्सप्रेशन टू वन थॉट्स व्हाट डज कम फर्स्ट इन माइंड, तो ये भी आपके लिए आई होप ये तो सभी को पता ही होगा। तो इसके ऑप्शन ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा सही होगा कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट करने 6 से आगे आप लिख लीजिए ए है, बी है, सी है या फिर आपका डी है, साथ साथ कमेंट करते रहे, एक दूसरे के कमेंट आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सही करना, एटलीस्ट आपको जो है गेस करने की जो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए तो एटलीस्ट आप जो गेस भी कर सकते हैं, तो करके देखिए ट्राई एक बार आप जो है जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला आपके पास, व्हाट सोशल बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ए चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, आई होप ये मैंने कई बार क्वेश्चन आपको करवाया है और ये आप सभी को ये आना भी चाहिए, और सभी के जो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए। चलिए मैं देखता हूँ कि आप कौन कौन कमेंट करते हैं। चलिए इसका जो है राइट आंसर बताइए, 7 का आपका जो क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका इसमें डी होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपके पास दिया है, व्हाट सोशल बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व इन ए चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो इसका सही क्या होगा ये आप बताइए जल्दी कीजिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के जो है आ रहे हैं कमेंट, सभी के जो मैक्सिमम आपके सही है और ये रेगुलर स्टूडेंट है आई होप मुझे पता है। चलिए आगे देखेंगे अब आपका, व्हाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिकल
मोहब्बत, एटीट्यूड एंड फैमिली, ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये अपलोड हो जाएगी उस समय मैं आपको इसको ठीक कर दूंगा। तो आप इसको खुद ही पढ़ लीजिए, आप स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ऑप्शन इसके पास दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास ए है, बी है, सी है या फिर आपका डी है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं जो है अपलोड करने से पहले कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये आपका करेक्टरिस्टिक होगा ये। हाँ, मुझे याद आ गया। तो वाई डू चिल्ड्रन डिफर इन फिजिकल करेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड एंड फैमिली ट्रेट्स, तो ये आपका क्या होगा ये आपने बताना है। अब मैं इसको अगर नहीं भी कर पाऊँ चेंज, तो आपने सुन लिया ये करेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे और आप इसका कमेंट भी करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आपके पास हु प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जरा कौन कौन कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ, और साथ ही जो है आप जो है कमेंट रेगुलर करते रहिए, आपका जो इससे जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और साथ साथ जो आपको जो है अगर देखिए आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है कितना जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाते हैं, तो इसके लिए भी आपकी हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि जो है आपको थोड़ा सा जो एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरह से हो जाए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके डायरेक्ट यहां से दिखने को मिलेंगे। तो चलिए बताइए नो का आपका जो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, ठीक है जी, सभी के जो है मैक्सिमम सही आ रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द स्टेज इन विच ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज, तो ये आपका क्या होगा कि आपका जो स्टेज है चाइल्ड की, जब कब वो आपका जो है सोचना शुरू कर देगा लॉजिकली और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, रेगुलर स्टूडेंट को ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, गलत कोई भी नहीं करेगा। तो चलिए कमेंट कीजिएगा, जल्दी करिएगा, कौन सा इसमें जो है सही होगा, 10 का बताइए आपका जो 10 का आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, इसका जो है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो मैक्सिमम ये स्टूडेंट को सभी को पता है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उन सभी को ये ऑलरेडी पता है, और इसकी जो एज भी बता दीजिए कि इसकी एज आपकी कितने से कितने तक होगी, इसके भी आप कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे देखेंगे, आपका आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर, तो आपका इसमें क्या होगा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपको मैंने कई बार ये पहले करवाया है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपका जो ओल्डेस्ट मेथड है आप सभी को ये पता होगा, तो इसको बता दीजिए कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास क्लियर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, ए बी सी या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो ये कुछ है कॉम्प्लिकेटेड, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, क्वेश्चन मैंने आपको सभी करवाया है, लेकिन जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, ताकि जो है आप जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जो है अपने आप को डाल सके। अगर चीज़ें आपसे खराब से खराब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे अपना दिमाग लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, हु रोट द बुक, आपकी बुक का नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी, तो ये बुक आपकी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपने बताना है, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार करवाया है, आई होप ये सभी को पता होगा, और इसका जो गलत जो कोई भी नहीं देगा। तो चलिए अब कमेंट कीजिएगा जल्दी, किसने लिखी है ये बुक, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 12 का आपका क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो ये चल रहा है आपका मॉक टेस्ट साइकोलॉजी का, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, और इसके अलावा जो है मैं अपनी ओर से पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपके लिए ये मॉक टेस्ट जारी रखा जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ जो है आप जो है इसको शेयर भी कीजिएगा, देखने के बाद जो है अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। चलिए आगे चलते हैं, इसका जो है मैक्सिमम ने दे दिया है आपका उत्तर, और अब आगे चलेंगे हम। हु डेवलप चिल्ड्रेन सी ए टी, जो आपका ये टेस्ट होता है थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म ही आपसे पूछी जाए, तभी मैंने ब्रैकेट में ये साथ साथ लिख दिए, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सी ए टी स्टैंड फॉर, तो आप क्या लिखेंगे, तो इसके आगे ये आपकी फुल फॉर्म आ जाएगी। तो किसने ये डेवलप किया है चिल्ड्रेन के लिए ये आप बताएंगे, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो चलिए कमेंट कीजिएगा जल्दी, 30 के आगे क्या लगेगा, 30 ए बी या सी या फिर डी, तो जल्दी से बता दीजिए कि इसके आगे क्या होगा। इसके अलावा मैं अभी भी बता दूं, अगर आप जो है अभी नए नए जुड़े हैं, न्यू यूजर हैं, तो आपकी जो साइकोलॉजी की जो है प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी गई है, रेगुलर स्टूडेंट को पता है, तो आप जाकर एक बार उन वीडियोज़ को देख लेना, एग्जाम से पहले आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम आज का, व्हाट इज नॉट ए प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, तो लॉ ऑफ जो लर्निंग का जो है ये आपके जो है किसने दिया था ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, इसके अलावा जो इसमें कौन कौन से आपके दिए थे और किसने दिए थे ये रेगुलर स्टूडेंट को मैंने कई बार बताया है। अभी मैं आपको यहाँ पर कोई क्लू भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ये मान के चलिए कि आपका रियल एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिले, 20 में से आज का जितना आपका स्कोर है ये मान के चलिए कि अगर आपसे खराब से खराब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, टफ से टफ अगर आपका लेवल रहता है, तो आप किस तरह जो है खुद को हैंडल करेंगे और कितना आप जो स्कोर कर सकते हैं, कितना आप जो है उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप जो अपना निचोड़ आज के इस एग्जाम में निकाल सकते हैं या मॉक टेस्ट में निकाल सकते हैं। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिया गया है।
अकॉर्डिंग टू फ्राई विच पार्ट ऑफ द माइंड इज कम्पोज मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो ये मैंने कई बार आपको कराया और कई बार मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि एक बार जाकर आप आईडी इगो सुपर इगो वाली वीडियोज देख लीजिए जो मैंने आपको करवाई थी, उसमें ये चीज़ें मैंने इतने सिंपली क्लियर की है। अगर आप ऐसे ही बुक्स में देखने लगोगे तो सिगमंड फ्रायड की जो ये थ्योरी है आईडी इगो सुपर इगो की, ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैंने उसमें सिंपल तरीके से आपको समझाया है, एटलीस्ट आप उसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। चलिए बताइए 15 का ए बी सी या फिर डी कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट भी देखेंगे साथ साथ हम आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इनसाइड थ्योरी ऑफ द लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो गलत करेंगे, और मैंने ये आपको कई बार बताया कि इनसाइड थ्योरी किसने दी है और इसमें कौन सी विचारधारा थी और इसमें जो है आपका प्रत्यक्षीकरण जो है आपका किसके द्वारा दिया गया है और इसमें किस चिंपैंजी के ऊपर जो इन्होंने जो है नाम क्या रखा गया था, इस तरह की सारी बातें जो थ्योरी वाली वीडियो में अलग से भी बताइए। बीच बीच में बताता रहता हूँ जब आपके जो क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। तो आप बता दीजिए जल्दी 16 का क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ओके जी, ओके ओके ओके, सभी के जो है मैक्सिमम सही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और आपके लिए टफ बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो है आपको आता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ, तो बी एफ स्किनर तो पहले आपको पता होना चाहिए किस थ्योरी से संबंधित है और उन्होंने काम किसके ऊपर किया था, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि 17 का आपका जो है ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका, सेकंड होगा, थर्ड या फिर फोर्थ। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट, इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला है। कमेंट कीजिएगा, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आप एटलीस्ट ट्राई तो कर सकती है, ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आप सभी को ये आता है। तो चलिए ओके कर दिया है जिन्होंने करने थे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके पास बीने का आपका जो है, साइमन बीने की जो इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू, आपके किससे संबंधित है आपका बीने का जो साइमन बीने का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये आपने बताना है। चलिए आगे देखेंगे हम, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपके पास ए बी सी और डी, इसमें से आपका कौन सा सही होगा ये आप बता दीजिए। इसमें से एक आपका सही है, बाकी तीन आपकी गलत है, तो ये तो आई होप आप सभी को ये पता ही होगा कि इसमें से एक सही है, तो ये सही कौन सा है वो आप कमेंट कीजिएगा। एटलीस्ट ट्राई आप कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, ट्राई कीजिए कि 18 का आपका ऑप्शन क्या होगा। तो जल्दी से कीजिएगा कमेंट क्या होगा आपका 18 का। तो चलिए जिन्होंने करने थे उन्होंने कर लिए हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बाकी आप इसको मिलान कर लीजिएगा लास्ट में, इसके जो आंसर मैंने ऑलरेडी जो इसमें डाल दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ द पर्सनैलिटी, तो इसमें से कौन सा जो है आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी इसमें नहीं है, बाकी जो है आपकी टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी है इसके अलावा एक नहीं है, तो एक वो कौन सा नहीं है ये आपने बताना है, बाकी सभी प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी आपके जो है ये आप बता दीजिए। तो आपके जिसमें ऑप्शन है इसमें नॉट लगा है, तो ध्यान रखिए नॉट कहा है तो सिर्फ इसमें एक नहीं है, तो वो नहीं कौन सा है, तो वो आपके पास ऑप्शन दिया गया है। 19 का कौन सा होगा राइट, कमेंट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जल्दी कीजिए। चलिए आगे देखेंगे इसका, आप लास्ट में जो देख लेना इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे और आज का ये अंतिम प्रश्न भी आपका ये रहने वाला है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज नॉट, तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी इसमें से क्या नहीं है ये आपने बताना है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी ये आप बता दीजिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 के, इसमें जो आपका सही कौन सा होगा जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है, आई होप आपको जो हेल्प मिल रही होगी मेरे द्वारा जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इतनी जो आपकी हेल्प हो रही है मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो इस सीरीज़ को आपकी जो एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलाया जा सके। बाकी अपने जो है आप मिलान कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके जो इसमें राइट आंसर कौन कौन से हैं और कमेंट कीजिएगा कि आपका आज का स्कोर कितना है। मुझे उम्मीद है कि 10 से ऊपर ही होना चाहिए सभी का, जितनी मैंने आपको प्रिपरेशन करवाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।